Hare Rama,
अली हटना पर विशाखाई कह रही है अली जल्दी आओ, तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हटना करो अली हटना करो। यदि विलंब करेगी नहीं आएगी, हट करेगी मान करेगी तो समझ रखो परिणाम बड़ा बुरा होगा। कृष्ण चंद्रावली को लेकर के बैठ जाएंगे और तुम देखती रह जाएंगे, इसलिए जल्दी से पधारो जल्दी से बैठ कर। तो उनके समझाने से राधा जी, झूले दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक ही झूला होता है और उस पर कृष्ण खड़े हो जाते हैं, राधिका जी को भी बैठा लेते हैं और ऐसा झूलते हैं ऊपर में और फिर इधर में आप बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं उनके। राधा जी डर के मारे उनको पकड़ लेती है, कृष्ण जी तो सब समय राधा जी को मान करती है, किंतु इस लीला का यही वैशिष्ट्य है, बिना मांगे वरदान मिल जाता है, राधा जी उनको आगे करता। दूसरा झूला होता है एक सामने और उसी में लगा हुआ एक दूसरा सामने एक इधर में एक उधर में। जब झूला होता है तो कभी श्यामा जी ऊपर हो जाती है और कभी श्याम इधर से श्याम हो जाते हैं, उस समय भी बड़ी विचित्र है और तरह तरह की मल्लार राग में गोपियां नाच करती है। इस तरह से झूले का संबंध कुछ सनातन गोस्वामी से भी है। एक समय सनातन गोस्वामी जी राधा कुंड में श्री रूप गोस्वामी के यहाँ पहुंचे। अरे कुछ लिख रहे हो भैया? हाँ हमने लिखा है। क्या लिखा है वो क्या है भाई? नव गोरोचना गौरी क्या अलग बना सना सनातन। तो बजाने भैया जी तुमने क्या राधा जी परम मधुर परम सुकुमार हैं, उनकी बेणी की तुलना तुमने नागिन के साथ में कर दी, ये बहुत नाता जी भाई जी आप इसका सुधार कर दीजिए, कुछ दूसरा शब्द दे दीजिए। उन्होंने बहुत देर तक सोचा विचारा कि तो कोई दूसरा शब्द नहीं आया, तो वो सोचते सोचते अपने कुटी में आ रहे थे। इतने में राधापुर के पश्चिम की ओर में एक कदम का पेड़ था, सूख गया। उन्होंने देखा कि आप कदम की डाल में झूला झूला लगा हुआ और एक सुंदरी लड़की बीच में किशोरी बैठी है और उसको सात आठ लड़कियां झूला रही। कुछ निकट में पहुंचे तो देखा अरे जो झूल रही है उसके केस में ऊपर से नाभिन ऐसे कर रहे हैं, केस का अगला भाग कुछ ऐसा और काला भयंकरी ऐसा और वो ऐसे ऐसे जब झूलती है तो ऐसे ऐसे सनातन ऊंचा अरे ठहरो लाली 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 ये क्या तुम्हारे सिर पर जमीन पर नागिन बैठी है, अभी तुम्हें दस देगी जल्दी से ठहर। इतने में देखा वो सखी कुछ मुस्कुरा करके और अंतर ध्यान हो गई, वो लीला भी अंतर ध्यान हो गई और वो झूला भी नहीं रहा कुछ भी नहीं रहा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? तो नहीं राधा जी सही थी और शैलिया ये लड़का भी शायद मुझे शिक्षा देने के लिए रूप ने जो कुछ लिखा है वो पूर्ण तरह से सत्य है, इसको दिखलाने की आंखों में आंसू भर रहे और रूप गोस्वामी के हाथ में भैया इसको सुधारने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ लिखा है ये साथ बातें इससे संबंधित है। हमारे
اقصد آپ کا بجائے کچھ ٹائم کا کیا ہے گوبند لیلام کبھی کرن پور کا آنند ورنداون چمپو آدی گرنتھوں میں رادھا جی کے اس ہردیو کا ورنن وشیش روپ سے کرتا ہے ایک ایک بار ایک سہیلیوں کے ساتھ میں کبھی للتا کے ساتھ کبھی وشاکھا کے ساتھ کی طرح سے سب سخیوں کو لے کر کے کبھی جھولتی ہیں کبھی جھولاتے ہیں اس پرکار سے بنچا غلط کرو ویسے پرکار سے ہم سویرے ہم لوگ روح گوسوامی کی سمادھی میں جائیں گے کئی بجے چھ بجے چھ بجے جائیں گے آپ سبھی لوگ چلیں گے روح گوسوامی کے یہاں ان کے سمبندھ میں ہم لوگ کچھ بولیں گے اور ان کے چرنوں میں پشپانجلی سبھی لوگ دیں گے جو ان کی کرپا پراپت ہو ان کے گرنتھوں میں ہمیں پرویش کرنے کا ادھیکار پرارتھنا کر کے پھر چلے آئیں گے شام کو پانچ بجے سے ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہاں پر بڑے بڑے بھگوان لوگ آئیں گے اور روپ گوسوامی کے جیون چرتر کا وشیشٹ اس میں ورنن کریں گے آپ لوگ بھی سنیں گے اس لیے آیوجن کرتا ہوں کہ لوگ روپ گوسوامی کے سمبندھ میں جانیں ہمارے سمپردائے کے وچاروں کو جانیں مہا پربھو نے جو روپ گوسوامی کے ہردے میں پرنا دیا اور روپ گوسوامی نے اجول انمنی بھکت سوامی سنگھ پتر مادھو للت مادھو اتیادی گرنتھوں کو ہنس سبوت اتیادی بہت سے گرنتھوں کو ان کی کرپا سے ان میں ہمارا پرویش ہوا اور اس لیے ان کے ساتھ ہمیں Thank you.
Thank you.